पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के ट्वीट पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में 55 साल तक देश में राज किया है। इस दौरान कांग्रेस ने बैंकों का केंद्रीयकरण भी किया है, लेकिन गरीब जनता के बैंकों में खाते खोलने में असमर्थ रही। कांग्रेस ने सदा ही गरीब को गरीब बनाकर रखा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाम के समय हमीरपुर के नजदीक सलासी में जिला पंचायत संसाधन केंद्र का उद्घाटन करने के बाद बहुउद्देशीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिला परिषद आवास परिसर, पंचायत घर बस्ती झनियारा और पंचायत घर मझोक सुल्तानी के भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। देर शाम को हमीरपुर कृषक परामर्श केंद्र की आधारशिला रखने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रदेश ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, विधायक कमलेश कुमारी भी मौजूद रही। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों तक लोगों के बैंक खाते तक नहीं खुलवा पाए हैं, जबकि पीएम मोदी ने जनधन खातों को खुलवाया है। अब सीधा गरीबों का पैसा बैंक खातों में जाता है और पारदर्शिता से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान 20.5 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ विधवा, दिव्यांग और 9,500 करोड़ किसानों के खाते में डाला गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों में 38,000 करोड़ रुपए गरीबों को बांटा गया है और कांग्रेस आज भी सोच रही है कि कैसे खाते खोलकर पैसे डाले जाएंगे। हैरानी की बात है, दुनिया के बड़े बड़े देश, और मैं बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े देश भी ये तय नहीं कर पाए कि कैसे लोगों के खाते में पैसा डाले। नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते थे, यानी कि वित्त मंत्रालय को कहते थे कि गरीब की मदद करनी है, तो हमने 3 महीने के अंदर 70,000 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में सीधा डाला। ये गरीब की मदद की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की मेरे भाई और बहन। 20.5 करोड़ महिला जनधन खाता धारक थी, जिनको 500 रुपए की 3 किस्तें, अप्रैल मई जून महीने में 1,500 रुपया हमने 20.5 करोड़ महिलाओं को, यानी कि 31,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में किया। विधवा, वृद्ध और दिव्यांग, इनको पेंशन मिलती है अलग से, उस पेंशन के अलावा इन 3 करोड़ लोगों को 3,000 करोड़ रुपया सीधा खाते में डालकर दिया, तो मोदी सरकार ने दिया। 7 करोड़ बहनों को 3-3 गैस के सिलेंडर, यानी कि 3 महीने तक गैस के सिलेंडर मुफ्त में भरवाने की योजना दी, तो मोदी सरकार ने दी। आपदा के समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से 50,000 करोड़ रुपया इनके उत्थान के लिए, इनकी भलाई के लिए, इनकी मदद के लिए खर्च करने की अनुमति दी, तो मोदी सरकार ने दी। 9.5 करोड़ किसान, आप में से भी अधिकतर लोग किसान होंगे, 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 2 किस्तें अप्रैल से लेकर अगस्त महीने तक किसी ने उनके खातों में डाली, तो 38,000 करोड़ रुपया गरीब के खाते में मोदी सरकार ने डाला है, किसान के खाते में डाला है। पाया कि नहीं पाया? जे कोई अगली घोषणा करनी हो तो तुम बड़ी जोर ताली मारे, भी उम्मीद हो भी आ जाना। थोड़ा होता 38,000 करोड़ रुपया। आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस वाले तो ये कहते थे किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आज तक नहीं किए। हमने आपको कभी कहा नहीं था, उसके बावजूद किसान की मदद करने का प्रयास किया है, आगे भी करेंगे। किसानों की आय दुगनी करने के बहुत सारे कदम हमने उठाए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, कोई लागू नहीं करता था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसान की लागत प्लस 50% मुनाफा जोड़कर किसान की कीमत तय करनी चाहिए फसल की। कांग्रेस ने 10-15 साल नहीं की, लेकिन मोदी सरकार आई, हमने उस रिपोर्ट को लागू कर दिया और किसान को अब 1.5 गुना कीमत मिलती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार में मिलती है।
किसान के लिए कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय का नाम जोड़ा गया कि किसानों की भलाई के लिए काम करना है। कांग्रेस के समय 2014 में 12,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट था, केवल 12,000 करोड़, आज वो बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपया बजट हो गया। 11 गुना बजट अगर किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए 11 गुना बजट बनाकर दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद अब देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। उन्होंने कहा कि आपदा में अवसर तलाश करने का काम देश ने किया है। उन्होंने कहा कि पीपीए किट और मास्क के लिए निर्माता भारत बना है। उन्होंने कहा कि लोगों को टैक्स में राहत दी है तो लोगों को बैंकों में ऋण के माध्यम से भी सहायता देने का काम किया है। ये कोरोना महामारी एक बहुत बड़ा संकट के रूप में उभरी है, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढने का काम भी देश ने किया है। देश में एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता भारत बना है पीपी किट्स और मास्क के लिए। ये मात्र 4 महीनों में भारत के लोगों ने करके दिखाया। इसी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेकर ऑनलाइन सेल से लेकर बाकी सब में बहुत बड़ी वृद्धि भी हुई, बहुत सारे सेक्टर्स में ग्रोथ भी देखने को मिली है। अगर आप पिछले साल सितंबर के जीएसटी के आंकड़े देखें तो 91,000 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुई थी, इस साल 95,300 करोड़ से ज़्यादा हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि अर्थव्यवस्था वापस ट्रैक पर आ रही है। इसके अलावा हमने लोगों को राहत दी है, टीडीएस टीसीएस में कटौती 25% की 1,80,000 करोड़ के इनकम टैक्स रिफंड मात्र 3-4 महीनों में वापस किए, 3,00,000 करोड़ रुपया एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से छोटे मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग को मोदी सरकार ने देने का काम किया है। बहुत सारे कदम उस दिशा में उठाए जिससे आम जनता को फायदा मिले, चाहे वो किस्तें वापस जमा करवाने की बात हो, 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया तो मोदी सरकार ने दिया है।